हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट सो अपने यूपीएससी ईपीएफओ ईओ एओ एंड एपीएफसी के लिए हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक थे वो आपके स्टार्ट करे थे जिसमें वी हैव कवर्ड वन और टू लेक्चर फॉर अकाउंट ऑडिटिंग थ्री फोर लेक्चर फॉर अकाउंटिंग एंड देयर इज अ लेक्चर ऑफ लेबर लॉज ऑल्सो सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फर्दर लेक्चर की अबाउट द अकाउंटिंग एज यू नो कि अकाउंट्स में हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रिंसिपल टर्मिनोलॉजी पे बात कर ली थी लेकिन टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को रिफाइन करने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कवर द एम सी क्यूज बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम में जो हमारा पर्पज़ है वो ये है कि हमसे एम सी क्यू सॉल्व हो जाए ओके okay? सो so, यहाँ पे हम लोग एम सी क्यू पे वर्क करने वाले हैं कुछ एम सी क्यू है कुछ चीज़ें एक दो टॉपिक इसमें से हमने पढ़े हैं कुछ नहीं पढ़े हैं वो यहां पे पता चल जाएंगे देखिए एग्जाम में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपके टेन ट्वेंटी क्वेश्चन यहाँ पे अकाउंट से आने वाले हैं मैक्स टू मैक्स अगर हम लेके चले टू थ्री फोर फाइव क्वेश्चन के बीच में आपका जो रेंज है वो आ, इधर से उधर जाएगा इसी के बीच में आपका रेंज रहेगा अकाउंट्स की मैं बात करूँ तो तो यहाँ पे अकाउंट्स में इलेवन ट्वेल्थ की पूरी टी एस गिरेवाल उठा के पढ़ना उनके फॉर्मुले रटना सब कुछ याद करना कितना वाइज है ये आप लोग खुद जज कर सकते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है उसको तो ये सब्जेक्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है उसको इतनी बेसिक नॉलेज होती है कि वो एग्जाम में अकाउंट्स तो डायरेक्टली अटेम्प्ट कर ही लेंगे बट या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है सो दैट्स वाई आई एम हेयर टू कवर सर्टेन बेसिक कंसेप्ट ऑफ यू एंड विल हेल्प यू आउट कि आप लोग एमसी भी सॉल्व कर पाए इसी तरीके से हम लोग सेक्शनल एमसी भी सॉल्व करेंगे काफी सारे लाइक डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के सो so ये एमसी uh, क्यू के फॉर्मेट में सबसे फर्स्ट हम लोग अकाउंट्स के एमसी की बात करें सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन

एसेट्स आर द वॉट एसेट्स आर द थिंग्स जिनका आप आपका जिनपे राइट right है प्लस जो आपको कुछ ना कुछ अर्न करके देने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई ओन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो चेयर टेबल बोर्ड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का सामान है वो सब पे मेरा राइट right है और वो मुझे अर्निंग भी करके दे रहा है सो दैट इज एसिट फॉर मी राइट वेयर इज करेंट लाइबिलिटी आर लाइबिलिटीज आर दोज थिंग्स जिनको रीपे करना है बी इट गुड्स बी इट कैश समथिंग वो सब लाइबिलिटी हो जाती है अब जब इन वर्ड के साथ करंट लग गया तो करंट मतलब क्या तो करंट एसेट एंड करंट वो एसेट एंड होते हैं आर देयर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जिनको आपने बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जिनके साथ आप डीलिंग कर रहे हो जिन एसेट को आप शॉर्ट टाइम के लिए खरीद रहे हो वो जल्दी जल्दी उनकी वैल्यूएशन में चेंज होने वाला है आप उन्हें जल्दी जल्दी सेल करोगे या फिर जिन लाइबिलिटी को आप साल भर से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं करने वाले हो अपने साथ ट्वेल्व लेस देन मंथ टाइम पीरियड रहता है तो ये मीनिंग हो गया अब क्वेश्चन में मीनिंग तो नहीं पूछा था वैसे मीनिंग भी पूछ सकता है द शॉर्ट टर्म लाइक एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दैट आर देव विद इन या फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर ओनली तो दैट आर करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी बट ये जो रेशियो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है आइडल करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करेंट लाइबिलिटी क्या फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी तो ये करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी की आइडल रेशियो कितनी है इट इज टू इज टू वन आइडल करेंट रेशियो इज टू इज टू वन नेक्स्ट इज अंडर विश शेड्यूल ऑफ द कंपनी एक्ट कंपनी एक्ट जो है नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में यह एक्ट आया था उसके बाद इसको दो हजार तेरह में इसमें चेंजेस लाए गए काफी अमेंडमेंट किए गए तो यह पूछा जा रहा है कौन सा शेड्यूल है जो फॉर्मेट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट की बात करता है अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके अकाउंट बनते हैं लाइक ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस इन बैलेंस शीट तो जो शेड्यूल थ्री ऑफ दिस एक्ट है अब डिफरेंट डिफरेंट सारे शेड्यूल बट हम तो इंपॉर्टेंट पे बात करेंगे ना जो जो शेड्यूल इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं शेड्यूल थ्री ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी एक्ट जो अमेंड अमेंड हुआ था वो बात करता है अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट दैट आई मैं यू कैन सी दिस में पीडीएफ इफ यू गाइज वॉन्ट टू आप कमेंट करना मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी बट ओनली अगर कमेंट आएंगे मेरे पास देन ओनली राइट right? तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है बस एक बार नजर मारनी है याद नहीं करना क्या पहले क्या बाद में लिखते हैं बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है क्लियर ये इस तरीके से आपका एक आ, अकाउंट बनता है जिसमें आप ऊपर लाइबिलिटीज uh, नीचे एसेट्स लिखते हैं पहले ये टी शेप अकाउंट बनता था जिसमें लेफ्ट में लाइबिलिटीज और राइट right में एसेट रखी जाती थी लेकिन अब कंपनी का फॉर्मेट बदल दिया गया ये टी शेप अकाउंट बनाना बंद कर दिया गया अब आप इस तरीके से इस कंपनी की बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं जो किसके थ्रू चेंज हुआ है कंपनी एक्ट टू के थ्रू चेंज हुआ है आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू राइट नेक्स्ट इज द लॉन्ग टर्म एसेट दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट आर द राइट्स दैट हैव वैल्यू ऐसी एसेट जो कि लॉन्ग टर्म है पहली चीज जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है यू कैन नॉट टच एंड सी देम आप उनको देख नहीं सकते हो तो वो एसेट्स कौन सी होती है नाम सुनते ही माइंड में आ जाना चाहिए दे आर इनटेंजिबल एसेड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दीज आर इनटेंजिबल एसेट द एसेट जिनको आप देख नहीं सकते हो बट स्टिल वो एसेट्स की वैल्यूएशन रखती हैं लाइक गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क ये सब आपकी एसेट होती हैं आपके नाम पे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेलिंग माई कोर्स तो समन इज परचेजिंग बाय द नेम कि यार ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं वी नो कि इन टीचर के नेम से ये चीज़ खरीद लेते हैं तो वो मेरी गुडविल बनी हुई है इन द लाइक मार्केट में उस गुडविल की वजह से स्टूडेंट आर रेडी टू परचेज या मेरा नाम किसी के साथ जुड़ जाएगा तो स्टूडेंट आर रेडी टू बाय दैट तो दैट इज ड्यू टू माई गुडविल तो वो भी मेरी एक तरीके की एसेट होती है बट वॉट काइंड ऑफ एसेट दैट आर इनटेंजिबल एसेट जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी रिटर्न एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज आपके पास कोई भी आप अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन करी आपने बोला मैंने सेल करी थी इतनी परचेज करी थी इस दिन करी थी तो उसका एविडेंस क्या होता है वॉट इज द एविडेंस डेट यू हैव आप जनरली अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हो एंट्रीज रिकॉर्डिंग करते हो लेजर बनाते हो उससे फाइनल अकाउंट बनाते हो तो बेसिक सोर्सेस वाउचर आपके पास सेल्स वाउचर परचेज वाउचर रखे होते हैं जितनी आपने सेल करी होती है जो भी आपने परचेज की होती है उसका रिकॉर्डिंग आपके पास वाउचर की फॉर्म में होता है दैट इज द एविडेंस फॉर द बिजनेस एंटरप्राइज नेक्स्ट इज बैलेंस शीट क्या रिकॉर्ड करता है ऑप्शन में फॉर एग्जाम्पल आएगा ए एसेट बी लाइबिलिटी सी कैपिटल डी ऑल ऑफ द अबव तो द आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट्स भी जाती हैं आपको पता है अभी यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मेट बताया तो उसमें सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखा है जिसमें शेयर होल्डर फंड देखिए सबसे पहला पार्ट है शेयर कैपिटल क्या है सबसे पहला पार्ट शेयर कैपिटल तो कैपिटल भी जाती है प्लस आपकी लाइबिलिटीज गई हैं लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो उसके बाद आपकी एसेट्स भी गई हैं तो इज इट क्लियर तो क्या क्या जाता है बैलेंस शीट में एसिड भी लाइबिलिटी भी एंड कैपिटल भी और बैलेंस शीट शो क्या करती है बैलेंस शीट किसी पर्टिकुलर डेट पे फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज की जिसकी आपने बैलेंस शीट बनाई है कि ये कितनी फाइनेंशियली आज की डेट में इसकी पोजीशन इसके पास कितने एसेट्स हैं और इसकी कितनी लाइबिलिटी है जनरली आपके एसेट एंड लाइबिलिटी मैच करने चाहिए मतलब आपके ये अकाउंट इक्वल आने चाहिए एसेट शुड बी इक्वल टू योर लाइबिलिटीज नेक्स्ट इज द नॉमल वियर एंटर सिक्स क्वेश्चन इज द नॉमल वियर एंटीयर इन द वैल्यू ऑफ फिक्सड एसेट देखिए फॉर एग्जाम्पल अभी आप फोन लेके आते हैं फोन को एसेट नहीं मानते हम तो एक्सपेंस मानते हैं क्योंकि अर्निंग नहीं हो रही है ना कुछ ऐसी बट ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं तो फोन से वीडियो ले रही हूँ क्लास रिकॉर्ड कर रही रूँ ये सब कर रही करूं मैं अपनी एसेट मान लेती हूँ मैं अभी इस फोन को लेने गई और फिर जब मैं इसे बाहर लेके आ गई हूँ उस पर्टिकुलर शॉप से तो क्या ये उतने का ही सेल हो जाएगा जस्ट आफ्टर द परचेजिंग अगर अभी भी मैं सेल करूंगी जबकि फोन टूटा नहीं है बिल्कुल नया मॉडल है मैंने यूज तक नहीं कराया इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी क्योंकि वो party, मतलब हो जाएगा। तो ये चीज होती है कई बार आप जब अपने अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल मैंने आज अपने पांच लाख की एक मशीनरी खरीदी खराब नहीं हो रही है मशीन ज्वेलरी चल रही है दस बारह साल तक चल रही है छोटी मोटी रिपेयर कराई उसमें तो क्या वो पांच लाख ही अपने हर साल पांच लाख मशीनरी पांच लाख मशीनरी पांच लाख मशीनरी अकाउंट में डालते रहोगे नहीं ना आपको उस मशीनरी की वैल्यू कभी तो नल करनी पड़ेगी तो वो नल एकदम से नहीं करते हैं कि आप ठप हो गई तो आज नल कर देते हैं उसके लिए हम हर साल उसकी वैल्यू को थोड़ा थोड़ा कट करते रहे ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टिमेशन उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाली जाती है वो भी बताऊंगी कैसी होती है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड ईयर अभी फॉर्मूला बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में अपकमिंग क्लास में आपको बट उसकी वैल्यूएशन निकाली जाती है और उस वैल्यू को कम किया जाता है तो वो जो नुकसान होता है वो जो नॉर्मल सा वियर एंड टीयर होता है वियर एंड टीयर का मतलब ये नहीं है कि वो टूट जाएगी राइट right? तो उस अमाउंट को क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन नेक्स्ट क्लास में आई राइट डाउन द फॉमूला इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन वॉच दैट नेक्स्ट ये प्रिंसिपल मैंने आपको बताए थे अकाउंट के तो आई होप ये सेवेंथ क्वेश्चन आपको क्लियर होगा देखिए नो बिजनेस कम्स विद एन इंटेंशन दैट इट विल क्लोज इन नियर फ्यूचर कोई भी बिजनेस इस इंटेंशन के साथ नहीं आता कि वो आने वाले समय में बंद हो जाएगा ये कौन सा प्रिंसिपल या कौन सा कंसेप्ट है वीडियो देखी होगी नहीं देखी तो देख लीजिए मैंने बताया था वहां पे दिस इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कोई भी बिजनेस ये बिजनेस मैन ये सोच के बिजनेस स्टार्ट नहीं करता कि बिजनेस नहीं चलेगा या नहीं चला तो बंद करना पड़ेगा एक दो महीने में नहीं बिजनेसमैन ये सोच के आता है कि ये बिजनेस हम कंटिन्यूटी में रखेंगे प्रॉफिट होगा एंड इट विल कंटिन्यू फॉर सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन तो दिस कंसेप्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट ये हमने नहीं पढ़ा है तो एक बार अभी देख लीजिए द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स भी अपने अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर होती है क्या वो कंपल्सरी होती है जैसे कंपनी को तो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना होता है लेकिन पार्टनरशिप एक्ट को रजिस्टर कराना इज ऑप्शनल आप रजिस्टर नहीं भी कराओगे तो भी चलेगा लेकिन हाँ ऑप्शनल है कंपलसरी नहीं है ये तो आपको आंसर देना है याद रखना लेकिन अगर नहीं कराते हो तो नुकसान होते हैं इसलिए जनरली लोग करा ही लेते हैं क्या क्या नुकसान होते हैं लाइक like, आप किसी पार्टी पे केस नहीं कर सकते अगर कोई प्रॉब्लम आ गई कोई भी पार्टी आप पे तो केस कर सकती है वो तो रजिस्टर है आप नहीं हो तो प्लस आप में अगर पार्टनर में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो यू कैन नॉट सू ईच अदर आप एक दूसरे पर केस नहीं कर सकते हो ये प्रॉब्लम हो जाती है सो दिस इज द थिंग तो रजिस्ट्रेशन लोग जनरली करा लेते हैं प्रेफर करते हैं द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है वो ऑप्शनल है अब पार्टनर जो भी किसी फर्म में होते हैं दे प्रिपेयर अ डीड वो अपनी एक डीड बनाते हैं पार्टनरशिप डीड जिसमें पार्टनरशिप का हेड ऑफिस तो ब्रांच ऑफिस पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स कोई सैलरी लेगा तो क्या सैलरी रहेगी वो डे ऑल दीज इन्फॉर्मेशन मैंशन होती है उस डीड में बट अगर डीड नहीं है इन द एबसेंस ऑफ डीड मैंने बोला अगर डीड नहीं है तो पार्टनर्स प्रॉफिट कितना कितना लेंगे अदरवाइज तो डीड में लिखा होता है वन इज टू वन इज टू वन टू इज टू टू इज टू वन थ्री इज टू फोर इज टू मतलब समथिंग जो भी है वो डीड में मैंशन होता है कि आप कितना कितना लेने वाले हो अपना रेशियो प्रॉफिट का लेकिन अब नहीं मैंशन है तो क्या होता है तो प्रॉफिट अमंग द पार्टनर इक्वली शेयर होता है दो है तो वन इज टू वन तीन होंगे तो वन इज टू वन इज टू वन चार हैं तो सो ऑन एंड ऑन लाइक इक्वली शेयर होता है इन केस ऑफ द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील प्रॉफिट इज टू बी शेयर इक्वली अमंग द पार्टनर आई होप इट इज क्लियर नाइन्थ क्वेश्चन यही बोल रहा था क्लियर नाइन्थ क्वेश्चन यही बोल रहा था कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप व में प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर किया जाता है तो एट एंड नाइन्थ क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिगार्डिंग द प्रिंसिपल विच आई हैव डिस्कस विद यू प्रिंसिपल पे हम लोगों ने बात करी थी वही वीडियो से एक और क्वेश्चन है और जनरली यही क्वेश्चन इनमें से एक क्वेश्चन प्रिंसिपल से आना ही आना है बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सो so, इनको आप छोड़ के नहीं जा सकते हो समझा भी दिया है डिटेल में प्रैक्टिस भी करा रही हूं अब कहीं से लिख के दस पेजेस के नोट्स याद करने की जरूरत आपको लग रही है तो करते रहिए इतना टाइम है और आप दे सकते हो लाइक यू आर थिंकिंग कि आपको मास्टर या पी करनी है यहाँ पे अकाउंट में देन डू दैट बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड यही मैं बात आपसे बोल रही हूँ तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस कंसेप्ट समझना बार बार वीडियो देखो कंसेप्ट समझो नए कॉन्सेप्ट समझो नए एमसीक्यू करो अपने आप एग्जाम निकलने के चांसेस रहेंगे एग्जाम टारगेट पढ़ाई करो नॉलेज तो ठीक है कितने सब्जेक्ट की ले लोगे यार नॉलेज ठीक है नॉलेज होनी चाहिए बट कितने सब्जेक्ट की ले लोगे तो कुछ जगह तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो इज द एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द अमाउंट अमाउंट ऑफ परचेज जिस पे पे आप आप उस एसेट को खरीदते हो आप उसी पे उसको रिकॉर्ड करते हो मार्केट में फ्लक्चुएशन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की वजह से वैल्यू में चेंज आ गया उससे हम अपनी रिकॉर्डिंग वाली वैल्यू पे चेंज नहीं लाते हैं हाँ डेप्रिसिएशन जरूर उसमें से घटाते हैं लेकिन मार्केट में वो कीमत बढ़ रही है कम हो रही है उसको हम अपने अकाउंट में फिर रिवाइज नहीं करते हैं राइट right? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट दैट जितनी वैल्यू थी उसी वैल्यू पर आप अपनी जो एसेट uh, थी उसको रिकॉर्ड करते हो नो मैटर मार्केट में क्या फ्लक्चुएशन चल रहे हैं उस बेसिस पे आप अपना अमाउंट चेंज नहीं करते हो बट यस उसमें से डिप्रिसिएशन तो माइनस करोगे ही करोगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग तो दिस प्रिंसिपल इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ओके सो दीज आर द टेन एम सी को जो हमने कवर करे इन द अकाउंट्स फॉर यूपीएससी ई पी एफ ओ ओ एंड एओ आई होप ये वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी कुछ कंसेप्ट समझ में आए होंगे नेक्स्ट में मैं प्रॉपर यहाँ पे लिख लिख के आपको कराऊंगी थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को पैटर्न को आई ट्राई टू राइट डाउन में यहाँ पे चीजें लिख लिख के समझाऊंगी एंड प्लस कंटेंट में अगर दम होगा तो इज व लाइक बी विद मी बी विद दिस पर्टिकुलर पूरी सीरीज के साथ आप लोग रहेंगे तो आई एम ट्राइंग कि वो चीज़ कंटिन्यूटी में चलती रहे और इस तरीके से मैं आपको और भी सब्जेक्ट के एम सी क्यू यहाँ पे कवर कराऊँ चाहे वो आपके अकाउंटिंग हो चाहे आपका इंश्योरेंस हो चाहे लेबर लॉ हो चाहे इंडस्ट्रियल रिलेशन हो इफ uh, चीजें समझ में आ रही हैं बेनिफिशियल लग रही हैं यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू दिस देन आई वॉन्ट यू टू कमेंट आप इसको कमेंट करें और जो भी आपके नोन पीपल हैं हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम उनके साथ ये वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ सो दैट इस लाइक like ये जो बड़ा सा एक वो चल रहा है जहाँ पे सब एवरीवेयर द पीपल आर कवरिंग यूपीएससी पी ई पी एफ ओ पेड एंड अनपेड कोर्सेज ऑल द यूट्यूब भरा पड़ा है इन चीज़ों से उस बीच में हम भी अपनी एक छोटी सी स्पेस इस पर्टिकुलर जगह पे बना सकें और हेल्प uh, कर सकें क्वालिटी कंटेंट देने में और आप तक चीजें डिलीवर करने में यू कैन कंपेयर द कंटेंट कुछ चैनल से तो ज्यादा ही बेटर कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ एक ईजिएस्ट वे स्मार्ट वर्क की बात कर रही हूँ वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों हम लोग लेके चलेंगे सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा ट्रस्ट मी एग्जाम सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं निकल पाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम ओके सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर कंटेंट लाइक दिस विद सम मोर टॉपिक लाइक दिस विद सम मोर फॉर्मलेज ऑफ अकाउंटिंग दैट कैन बी आस्क और दैट वर आस्क इन योर एग्जामिनेशन So that's all for this video. Thank you everyone for watching.